मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शनिवार को ग्वालियर में भगत सिंह नगर स्थित पूर्व मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया के निवास पहुंचकर सामूहिक गोवर्धन पूजन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में गौ पूजा एवं गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण कर प्रकृति से जुड़ने का संदेश दिया। राज्य सरकार ने इसी भाव के साथ गौ संरक्षण और संवर्धन के काम को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारे देश में त्योहार मनाने की संस्कृति है, इसमें गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा गौवंश का संरक्षण हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि किसान भाई गौपालन के जरिए दुग्ध व्यवसाय से जुड़ें। सरकार की तरफ से उनको अनुदान भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने इस अवसर पर गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पूर्व मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया द्वारा पिछले लगभग 10 वर्षों से सामूहिक गोवर्धन पूजन का आयोजन किया जा रहा है। गोवर्धन पूजा के 11वें वर्ष पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उनके निवास पर आयोजित गोवर्धन पूजा में शामिल होने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विधि विधान से गोवर्धन पूजा कर आरती उतारी और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं उद्यानिकी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह, पूर्व सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर, नगर निगम सभापति श्री मनोज तोमर सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। सच्चे अनुभव है आज के इस दौर में गोवर्धन के माध्यम से नए दौर का नया समय श्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नवकरणीय ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार है और खास करके जैविक दुनिया में हम अपने गोवंश के लिए चिंता करें। गणना के हिसाब से 1,39,00,000 गोवंश 2019 की गणना में मध्य प्रदेश में है और गोवंश की संख्या के आधार पर प्रदेश देश का तीसरा राज्य। हम सब प्रयास करेंगे, परमात्मा चाहेगा कि नंबर वन के स्थान पे आए। घर जो गौ माताओं की घर एक तरह से गोपाल कृष्ण बने और गौशालाओं में जब रथ जब लावारी सफाई बूढ़े ऐसे गोवंश की चिंता सरकार करे और दूध उत्पादन के लिए जो 10 से ज्यादा गाय पालेंगे उनको अनुदान भी सरकार देगी और दवा खरीदने पर भी बोनस हमारी सरकार प्रदान करने वाली है। अर्थात वित्तीय व्यवस्था में सुदृढ़ करने के लिए अब ये कर्मकांड नहीं है, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए देश और प्रदेशवासियों के लिए वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने एमओयू किया और भविष्य में इसके बहुत सारे प्रकार से अलग अलग लाभ प्रदेशवासियों को मिलेंगे। लेकिन आज तो आनंद आया है, बहनों के लिए सुहाग पड़वा भी है और हमारे पूरे प्रदेश के लिए गोवर्धन पूजा का सरकार ने पहली बार निर्णय किया है और भाई साहब तो वर्षों से पहले से करते आए थे तो बहुत ग्यारहवा था आनंद आ गया। बहुत अच्छा गाना आता था मिले सुर तेरा हमारा तुम्हारा तो वो जो अपना आनंद है गोपाल कृष्ण की आपकी प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने भी मनाया। मेरे अपनी ओर से इस अवसर पर हमारे विवेक जी, जिलाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री नारायण कुशवाहा जी, आशीष जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, सांसद जी, अभय जी, हमारे प्रद्युम्न तोमर जी कहां के सभी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हमारे वरिष्ठ नेता के साथ आज के इस अवसर पर भगवान का आशीर्वाद हमने लिया है और अन्य संत के जो भंडार भरे भगवान करे सबकी मनोकामना इस प्रकार से पूर्ण हो, सबके जीवन से कष्ट मिटे, सबके आंसू भरे भोग की वर्षा हो। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना बधाई। गोवर्धन प्रसन्नाथ की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सीताराम जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय, विश्व जन्म भूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। सभी लोग प्रसाद लिए बिना घर आए।